हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विगत दो क्लासों में भी इस टॉपिक पर चर्चा की है। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है और बहुत सारे देशी विदेशी पर्यटन राजस्थान की इस ऐतिहासिक धरोहर को, इस त्याग बलिदान और रणवीरों की भूमि को देखने के लिए आते हैं। यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत है, यहाँ की जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, यहाँ की जो भौगोलिक विविधताएँ हैं, ये अपने आप में अविचरणीय हैं और इसीलिए पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो बिना निवेश किए विदेशी पूंजी को अर्जित किया जा सकता है। राजस्थान और भारत सरकार ने भी इस कदम में बहुत सारे प्रयास किए हैं और उन प्रयासों में से जिनका बहुत सारे प्रयासों का अपने अध्ययन भी किया है, जिसमें पीकॉक गार्डन है। पीकॉक गार्डन राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसके बसाव और संरक्षण के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए जयपुर के JLN मार्ग पर मालवीय नगर के पास में एक पीकॉक गार्डन की स्थापना की गई है और ये स्थापना 16 दिसंबर 2006 को की गई थी। इसके अलावा राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज झूलता हुआ पुल है, जिसका निर्माण कोटा में चंबल नदी पर किया गया है और ये 2009 में ये पुलिया कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था, इसका वापस पुनर्निर्माण भी किया गया है। दूसरी जो रोप वे स्थापना विभिन्न धार्मिक स्थलों के अंदर रोप वे की स्थापना की गई है। ये रोप वे एक रज्जू मार्ग हुआ करते हैं और विभिन्न यानी कि खंभों से जो पोल होते हैं उससे एक यानी कि वायर तार के माध्यम से कनेक्टिंग होते हैं और छोटे यानी कि डिब्बों या बॉक्सों में बैठ करके मशीन के द्वारा इस रज्जू मार्ग में सुदूर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तक जो मानव परिवहन होता है जिसको रोप वे कहते हैं। तो राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्थलों पर भ्रमण कराने, प्राकृतिक दृश्यों के निहारने के उद्देश्य से राज्य में रोप वे का निर्माण किया गया है और राजस्थान का प्रथम रोप वे जालौर के भीनमाल में सुंदा पर्वत पर निर्मित किया गया है। सुंदा माता का मंदिर है जहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोप वे स्थापित किया गया है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का प्रथम रोप वे कौन सा है, तो वह सुंदा माता पर्वत पर जो रोप वे निर्मित किया गया है, उस सुंदा माता मंदिर तक जाने के लिए स्थापित रोप वे है, जिसका उद्घाटन 20 दिसंबर 2006 को किया गया था और ये राजस्थान का प्रथम रोप वे है। द्वितीय रोप वे उदयपुर में पंडित दीनदयाल पार्क से माचला यानी कि मगरा स्थित करणी माता के मंदिर तक 387 मीटर यानी कि बनाया गया है। और तीसरा रोप वे है वो उदयपुर के नीमच माता मंदिर में निर्मित किया गया है। तो तीन यानी कि रोप वे हैं राजस्थान में, जिसमें प्रथम रोप वे हैं वो सुंदा माता पर्वत वाला रोप वे है, ये राजस्थान का प्रथम रोप वे कहलाता है। नेक्स्ट जो योजना चलाई गई है जिसमें अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना, अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना, ये राज्य के आध्यात्मिक पर्यटक स्थलों के विकास हेतु मंदिरों के विकास में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से देव स्थापन विभाग के द्वारा इस योजना को चालू किया गया था। और राजस्थान में
पर्यटकों को, देशी और विदेशी पर्यटक जो खास करके आते हैं, उसको विभिन्न पर्यटक स्थलों पर भ्रमण करवाने के उद्देश्य से शाही रेलगाड़ियां भी चलाई गई है, जो विभिन्न अत्यधिक सुख सुविधाओं से युक्त है। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और यहाँ आने वाले पर्यटकों को परिवहन की समुचित सुविधा उपलब्ध देने के उद्देश्य से रेल विभाग के द्वारा विशेष रेलगाड़ियाँ संचालित की गई है, जिसमें पहली है पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स ये भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इस वातानुकूलित पर्यटन रेल का संचालन 1983 में किया गया था और ये पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की पहली रेल थी। राज्य की राजसी ठाटबाट सहित विशेष सुख सुविधाओं से युक्त इस शाही रेलगाड़ी को यानी सितंबर 2006 से बड़ी लाइनों पर भी चलाई जा रही है। दूसरी जो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, ये पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता को देखते हुए भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नामक नई पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ है वो 11 जनवरी 2009 को किया गया। इस रेल की प्रथम यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से किया गया है। और नेक्स्ट एक फेरी क्वीन ट्रेन है, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा 2003 में संचालित की गई थी। ये मीटर गेज रेल लाइन है, इसका मुख्य मीटर गेज की रेलगाड़ी है और इसका मुख्य उद्देश्य देश विदेशी पर्यटकों को शेखावटी की कलात्मक जो हवेलियां हैं उनका शेयर कराना और इसके अलावा ऐतिहासिक जो धरोहर है उनका दर्शन कराना, ये भी इनका उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा विलेज ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत भी नवंबर 2004 को की गई। धोरा एक्सप्रेस जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर धोरों का आनंद दिलाने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों को बीकानेर के लाडेरा गांव तक के लिए ये रेल सेवा आरंभ की गई थी, जिसको धोरा एक्सप्रेस कहते हैं। द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन है, ये भी नवीनतम प्रस्तावित जो ट्रेन है, इस ट्रेन का संचालन अजमेर, राजसमंद और उदयपुर के बीच में कामटा घाट के मध्य होती हुई संचालित होगी। तो ये सारी रेलगाड़ियां हैं जो पर्यटकों को राजस्थान के जो ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है उनको भ्रमण कराने के उद्देश्य से इनका संचालन किया जा रहा है। इनके अलावा इन्वेस्टूर 95 है वो राजस्थान में पर्यटन पर आधारित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मेला इन्वेस्टूर नाम से 1995 में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से संचालित किया गया। ये जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित हुआ है और इस मेले में अमेरिका, सिंगापुर, इजराइल, इंग्लैंड, इटली, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों से विदेशी पर्यटकों ने भी भाग लिया है। इस मेले की मेज़बानी है वो राजस्थान के साथ केरल और सिंगापुर दोनों राज्यों की सहभागिता के साथ में घोषित की गई है, यानी इसकी मेज़बानी राजस्थान में की गई लेकिन सहभागिता में अतिथि राज्य के तौर पर केरल और सिंगापुर है उसको भी यानी सहभागिता देश घोषित किया गया। पधारो शाह देश जो योजना है, पधारो शाह देश योजना ये 2001 में प्रारंभ हुई है और सरकार ने पर्यटकों को बढ़ावा देने और युवकों को रोज़गार से जोड़ने के मकसद से पधारो शाह योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के अंतर्गत पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, टॉयलेट व अन्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक विदेशी है वो निवेश करें, उनका नवीनीकरण हो और राज्य को अधिक आय प्राप्त हो। बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर क्षेत्र में भ्रमण कराने के उद्देश्य से
ये योजना भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के तहत राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट्स की चौकी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। और इस योजना में बीकानेर जिले की खाजूवाला तहसील की दो चौकियाँ हैं, जो खरूला और मारुति, उनको भी पर्यटकों के देखने के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने, विभिन्न तरह की सूचनाएं और खबर देने के लिए यानी राजस्थान कॉलिंग सिस्टम भी अपनाया गया है। और जोधपुर ज़िले में देश के अंदर जो टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है, जोधपुर ज़िले के अंदर देश का ये तीसरा और राज्य का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर है, जो जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा जो नृत्य है, कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही यानी कि कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना भी आमेर के कुंडा ग्राम में की गई है। और शव नृत्य और केरल के मुंडियंट नृत्य को भी इसमें शामिल किया गया है। जंतर मंतर को विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। जंतर मंतर जो लगभग 350 साल पुराने यंत्रों के माध्यम से ज्योतिषी और खगोलीय घटनाओं की सटीक गणना करने के लिए दुनिया भर में मशहूर जयपुर का जंतर मंतर वेदशाला को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। और 31 जुलाई 2010 को इनको यानी विश्व विरासत की सूची में रखा गया। इसके साथ जयपुर के जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर की सूची में भी शामिल किया गया है। और इस सूची में शामिल होने वाला ये राजस्थान का प्रथम और देश का 23वां धरोहर है। ये एक वेदशाला है जो नक्षत्रों के अध्ययन यानी कि किया जाता था। प्राचीन समय में विभिन्न नक्षत्रों का अध्ययन इस वेदशाला के द्वारा किया जाता था। और यानी सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा कुल भारत में 5 इस प्रकार नक्षत्र वेदशालाएं बनाई थी। उन 5 वेदशालाओं में जयपुर का जंतर मंतर ये भी एक वेदशाला है। और अन्य जो बनारस में हैं, मथुरा में हैं और उज्जैन में भी इस प्रकार की वेदशाला है। बुद्धा जो सर्किट है, बुद्धा सर्किट एक नया यानी सर्किट घोषित किया जिसको बुद्धा सर्किट कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा चीन, जापान, श्रीलंका और दक्षिणी एशिया के विभिन्न बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक नया सर्किट विकसित किया जा रहा है। और इस सर्किट के अंतर्गत जयपुर और झालावाड़ जिले में ईसा पूर्व की 3री सदी से 8वीं सदी के मध्य ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को विकसित करने का काम किया जाएगा। इसमें जयपुर के बैराठ का क्षेत्र, जो बौद्धकालीन यानी मठ और स्तूप था, और झालावाड़ के अंदर जो कालपी की गुफाएं और पंच पहाड़ी के अंदर कुछ बौद्ध गुफाएं भी झालावाड़ में मिली है, वो भी बुद्धा सर्किट के अंदर शामिल किया गया है, ताकि जितने भी बौद्ध अनुयायी है वो यहाँ आए और जो बौद्ध स्थल है उसको देखें। पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व रखा गया है और इन स्थलों का विकास भी किया गया है। साथ ही साथ इस बौद्ध सर्किट में टोंक, बूंदी और कोटा जिलों को भी शामिल किया गया है। नए पर्यटन संभाग का जो निर्माण है, राज्य सरकार के द्वारा हाड़ौती व मारवाड़ क्षेत्र के विकास के लिए कोटा और अजमेर को 2 नए यानी कि पर्यटन संभाग बनाए गए हैं। तो पहले 2 पर्यटन संभाग थे, अब पर्यटन संभागों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जोधपुर
उदयपुर और कोटा और अजमेर, ये चार यानी कि राजस्थान के पर्यटन संभाग है। इनके अलावा हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना जो हाड़ौती क्षेत्र में ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर स्मारकों के पूरा पुनरुद्धार के लिए और विकास के लिए योजना चलाई गई है। हाथी गांव की स्थापना है, हाथी गांव की स्थापना ये नेशनल हाईवे जो 8 है उनमें आमेर के निकट कुंड यानी कि कुंडा गांव में हाथियों की को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने और पर्यटकों को आकर्षित हेतु यानी हाथी गांव की स्थापना है वो 12 सितंबर 2007 को की गई थी। ये एशिया का तीसरा ऐसा गांव है जो हाथी गांव के नाम से जाना जाता है, आमेर का कुंडा गांव। और इनके अन्य दो गांव है श्रीलंका और थाईलैंड के अंदर है। जलमेल योजना जयपुर में जलमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जलमहल पर्यटन का कार्य है। उसके लिए बहुत सारी यानी कि राशि भारत सरकार के द्वारा झील संरक्षण योजना के तहत स्वीकृत हुई है और भारत सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की 70-30 की भागीदारी से जल महल का पुनरुद्धार भी किया जाएगा। बदारो मारे देवरा में आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए 11 धार्मिक स्थलों और 13 धार्मिक महत्व वाले केंद्रों को पधारो मारे देवरा योजना में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा मरु त्रिकोण के लिए विकास के लिए और शेखावटी क्षेत्रों में भी धार्मिक स्थल है, विभिन्न हवेलियाँ हैं, उनके विकास के लिए विदेशी सहयोग से जापान की सहयोग से भी उनका पुनरुद्धार विकास किया गया है। पर्यटन नीति है तो पर्यटन नीति के अंदर राज्य में पर्यटन नीति है वो 27 सितंबर 2001 को घोषित हुई थी और ये राज्य की पर्यटन नीतियों में बहुआयामी उद्देश्य राज्य में उपलब्ध जो समृद्ध पर्यटन संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक रोजगार के अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना राज्य की समृद्ध और विविध हस्तकलाओं और शिल्प कलाओं के लिए बाजार उपलब्ध करवाना राज्य की समृद्धि जैविक प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थापत्य कला सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर सुनिश्चित करना आदि इस पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे। राजस्थान की पर्यटन नीति आई है वो सितंबर 2001 को आई। दूसरी पर्यटन नीति है वो 2007 को आई जिसमें रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन के अवसर पर घोषित की गई थी और नवीनतम राज्य की पर्यटन नीति है वो 2015 में घोषित की गई है। तो ध्यान रखना राजस्थान की पहली पर्यटन नीति सितंबर 2001 को, दूसरी 2007 को और नवीनतम पर्यटन नीति 2015 को घोषित की गई है। तो समय समय पर पर्यटन नीतियों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने और विभिन्न उद्देश्यों से युक्त इनके मूल लक्ष्य रखे गए हैं। 4 फरवरी 2010 को राज्य में 10 इको टूरिज्म नीति घोषित की गई है। 10 यानी कि इको टूरिज्म नीति के तहत 10 पर्यटन स्थलों को या टूरिज्म पॉइंट को घोषित किया गया है जिसमें इको टूरिज्म नीति में घोषित जो पर्यटन स्थल है उसमें झालाना डोंगरी जयपुर कुंभलगढ़ राजसमंद झुंझुनू जिले के 15 गांव खंडार फोर्ट सवाई माधोपुर टहलना फोर्ट अलवर माउंट आबू सिरोही राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बस्सी चित्तौड़गढ़ बाग यानी कि बागदरा उदयपुर और मायला बाग जयपुर ये इको टूरिज्म पॉइंट घोषित किए गए हैं। इनके अलावा भी कई पर्यटक स्थलों का निर्माण साथ ही साथ नवीन पुरातात्विक सर्किटों की भी स्थापना की गई है। यानी राजस्थान में जो 13 पर्यटन सर्किट है 4
पर्यटन संभाग है, इसके साथ 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 है वो पुरातात्विक सर्किट है। राज्य सरकार ने वर्तमान अजमेर और भरतपुर को पुरातात्विक संग्रहालय सर्किट बना दिया गया है, यानी अजमेर और भरतपुर को पुरातत्व संग्रहालय सर्किट बना दिया गया है और राजस्थान में पुरातात्विक सर्किटों की जो संख्या है वो 7 है। उनमें अजमेर सर्किट है, जयपुर सर्किट, जोधपुर सर्किट, बीकानेर सर्किट, कोटा सर्किट, उदयपुर सर्किट और भरतपुर सर्किट है। ये राजस्थान के पुरातात्विक सर्किट कहलाते हैं।